स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने रिलेशन डोमेन रेंज इमेज कोडोमेन का डिस्कशन किया, ठीक है। क्या होता है सब कुछ हम लोग जान चुके। तो अब किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं रिलेशन को, तो उसके लिए हम लोग इसको मेनली थ्री तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, वो है रोस्टर फॉर्म, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। सेट्स में हमने पढ़ा था। दूसरा तरीका होगा वो है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और थर्ड वे है वो है एरो डायग्राम, ठीक है। तीनों को हम लोग अच्छे से एक ही एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं कि मान लिया एक सेट ए है, ठीक है, उसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट हुआ बी, उसमें मान लेते हैं हम लोग 2 4 6 8 10 इतने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, रिलेशन इस तरीके से एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, ठीक है, इस तरीके से गिवन है रिलेशन, ठीक है। तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स वाई से छोटा है और एक्स किससे, ए से और वाई बी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिलेशन मेंशन होगा वो होगा रोस्टर फॉर्म, ठीक है। इसी को अगर हम लोग खोल कर लिख देंगे, ओपन कर देंगे इस तरीके से, तो एक्स वाई से छोटा मतलब एक्स वाई से छोटा 1 2, फिर 2 4 कर लो, 3 6 कर लो, या फिर 4 8 कर लो, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या रिलेशन बता रहा है, क्लियर है। अब इसको मान लो ऐसे भी दे देता, इसी को लिख देते इस तरीके से, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, किधर बात हो रहा है, ए टू बी की, ऐसे बी की ओर, एक्स वाई सच दैट वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स एंड एक्स बिलोंग टू ए वाई बिलोंग टू बी, इस तरीके से रिलेशन को डिफाइन किया, तो भी ये क्या हुआ। तो इस तरीके से सेट्स को रिप्रेजेंट करना, रिलेशन को रिप्रेजेंट करना, वो कौन सा फॉर्म हुआ, रोस्टर फॉर्म या फिर सिंपली टेबुलर फॉर्म, ठीक है। अगर इसी को हम लोग ओपन कर लेते इस तरीके से, क्या है एक्स वाई, वाई इज ट्वाइस ऑफ एक्स, वाई क्या है एक्स से डबल है, तो ये हो जाता 1 2 2 4 3 6 4 8, ठीक है। तो ये जो सेट्स है और ये रिलेशन है वो ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सारा ऑर्डर्ड पेयर को खोल कर लिख देना, ओपनली मेंशन कर देना, वो तरीका हुआ रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म, और उसको इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंस और सम एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करना, वो हुआ क्या रोस्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखो एरो डायग्राम किसको कहते हैं, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऐसे एरो लगा दिया, ठीक है, इस तरीके से ऐसे कर लिया हमने एरो डायग्राम, तो वो हुआ क्या रिलेशन को रिप्रेजेंट करना एरो डायग्राम के थ्रू, ठीक है। मान लो एक और एग्जांपल ले लिया हमने कि इस तरीके से पी एक सेट है, दूसरा क्यू सेट है, 1 5 6 7 A B C, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसको लिखते तो ऐसे लिखते ना, 5A 6B, या फिर 6 का C के साथ भी, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना रिलेशन को हुआ वो क्या हुआ,
एरो डायग्राम के थ्रू। ठीक है, तो मेनली हम लोगों को यही पढ़ना है रिप्रेजेंट करने का तरीका किसमें, रिलेशन में। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक, कुछ एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको तीनों को समझ सकते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चंस गिवन है उसको सॉल्व करते हैं।